हेलो, गुड मॉर्निंग लवली चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? फाइन, हैप्पी? यस। चलो आज क्या करेंगे, आपने सिंगुलर प्लूरल्स के वीडियो देखे ना? यस, आपको पता चल गया होगा सिंगुलर में से प्लूरल कैसे बनाते हैं, ठीक है ना? अभी हम आज आपके MCQs का रिवीजन करेंगे, ठीक है? जो MCQs निकाले हैं, आपने जो लेसन्स पढ़े हैं उसमें से जो भी MCQs निकाले हैं उसका मैं आपको लर्निंग करवाती हूँ, ठीक है? ऑल आर यू रेडी? लिसन केयरफुली, रीड केयरफुली एंड ऑब्जर्व, अच्छे से ऑब्जर्व करो, समझो, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। चलो आपका यूनिट 1 और 2 जो चल गया आपकी टेक्स्ट बुक में, उसके MCQs का रिवीजन, ओके? चलो टिक द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को टिक करना है। हल्दी मैट और हल्दी किसको मिली थी, जिराफ या मंकी? किसे मिली थी हल्दी? जिराफ को, है ना? जिराफ था ना बड़ा सा, यस। जिराफ वोर बिग, जिराफ ने वोर यानी पहना था, क्या पहना था? बिग कैप या ग्लासेस? तो बिग ग्लासेस पहने थे, है ना, अपनी आंखों पे चश्मे पहने थे ना बड़े से, यस। नाउ नंबर 3, हल्दी प्लेज अ गेम ऑन, हल्दी कब गेम खेलती थी, सैटरडे या फ्राइडेज? ऑल सैटरडेज, है ना, सारे सैटरडे वो क्या खेलती थी, गेम खेलती थी स्कूल में। नाउ नंबर 4, द ड्राइंग विल बी एज गुड एज देयर्स, है ना, वो बच्चा क्या चाहता था कि उसका ड्राइंग भी कैसा हो बाकी सब के जैसा, है ना। द ड्राइंग विल बी एज गुड एज देयर्स, वो दूसरे जो बच्चे होते हैं उनके जैसे ड्राइंग्स होते वैसा ही अच्छा उसका भी ड्राइंग हो वैसा वो चाहता था। नंबर 5, दे विल बी फुल ऑफ, वो सब कैसे क्या थे, फुल ऑफ स्टेयर्स, है ना, जब नया नया कोई बच्चा आता है तो सब लोग उसको देखते रहते हैं ना, फुल ऑफ स्टेयर्स, ठीक है, दे विल बी फुल ऑफ स्टेयर्स। द टीचर विल लुक लाइक, टीचर कैसे दिखती है, कैसे दिखती होगी, वो बच्चा इमेजिन करता है ना सब कि भी वो स्कूल में जाएगा तो कैसा होगा, तो टीचर विल बी लुक लाइक मॉम, है ना, मम्मी जैसे दिखती होगी। इफ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई, अगर बटरफ्लाई होता वो बच्चा तो वो क्या चाहता, किसके लिए थैंकफुल होता, विंग्स के लिए, है ना। इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स, ठीक है। इफ़ आई वर एन एलिफेंट आई वुड बी थैंकफुल फॉर, एलिफेंट की क्या होती है, लेग्स या ट्रंक, ट्रंक के लिए वो थैंकफुल होता, है ना, यस। नाउ नंबर 9, इफ़ आई वर अ मैना आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड डांस और सिंग, तो मैना क्या करती है, सिंगिंग करती है ना, तो आंसर क्या आएगा, सिंग। अगर मैं मैना होती तो किसके लिए थैंकफुल करती कि आई कुड सिंग, मैं गा सकती हूँ, ऐसा वो बच्चा इमेजिन करता है ना इसमें, यस। द चाइल्ड लव्स हिज, चाइल्ड किसको लव करता है, बहुत सारा उसके पप्पी को, है ना। द चाइल्ड थिंक हिज ड्राॅइंग विल बी एज गुड एज देयर, चाइल्ड क्या चाहता है कि उसका भी ड्राॅइंग कैसा हो बाकी सब बच्चों के जैसा, गुड, है ना, अच्छा, यस। नाउ नंबर 12, हल्दी वॉज गोइंग टू, हल्दी कहाँ जा रही थी, स्कूल, स्कूल जा रही थी ना, घर पे जा रही थी नहीं, वो तो स्कूल जा रही थी। शी मेट अ जिराफ नेम्ड, वो जो जिराफ को मिली थी उसका नेम क्या था, कॉकी था या स्माइली, स्माइली, है ना। एंड ऑक्टोपस हैज़ डैश आर्म्स, ऑक्टोपस के कितने आर्म्स होते हैं, 8 होते हैं ना, यस। नाउ अ कंगारू कैन, कंगारू क्या कर सकता है, फ्लाई की होप, होप, होपिंग करता है ना वो, यस। अ फिश कैन, फिश क्या करती है, स्विम करती है, क्या करती है, स्विम, फिश फ्लाई करती है, नो, फिश उड़ नहीं सकती, वो तो स्विम करेगी। नाउ एलिफेंट हैज़ अ, एलिफेंट की क्या होती है, लंबी सी ट्रंक के विंग्स, विंग्स होते हैं एलिफेंट के, पंख होते हैं, नो, इट हैज़ ट्रंक, उसकी तो ट्रंक होती है, ठीक है। चलो अभी 18 नंबर, व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हो, फ्लाई या प्ले, हम फ्लाइंग कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, नो वी डू नॉट हैव विंग्स सो वी कांट फ्लाई बट वी कैन प्ले, हम खेल सकते हैं, है ना, तो आंसर क्या आएगा, प्ले। नाउ नंबर 19,
आई थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पप्पी टू, बच्चा अपनी पप्पी को कहाँ ले जाना चाहता था, स्कूल, है ना। वो स्कूल गया था ना फर्स्ट डे, तो वो किसको ले जाना चाहता था, अपने पप्पी को। शी हैड रीच्ड द डैश, वो कहाँ पर पहुँची, क्लास की प्लेग्राउंड, है ना, प्लेग्राउंड पे पहुँच गई। वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन डिक्शनरी या रामायण, जो वर्ड्स होते हैं ना ए बी सी डी के हिसाब से कौन सी बुक के अंदर ऑर्डर से सेट किए होते हैं, डिक्शनरी में या रामायण में, तो डिक्शनरी में। आप डिक्शनरी में वर्ड सर्च करते हो ना, पहले ए वाले होते हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है ना। यस, तो वो कहाँ होगा, डिक्शनरी में। नाउ 22, नेम ऑफ एनिमल्स पर्संस प्लेसेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड, आपने नाउन वाला वीडियो देखा है ना, यस, आर कॉल्ड नाउन्स, क्या आएगा, नाउन्स। यहाँ पे ये आंसर थोड़ा गलत हो गया है, हाँ यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ए, नाउन, ओके, ठीक है ना, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ए, नाउन। चलो फिर, बॉय इज कॉमन नाउन, राइट और रॉन्ग, बॉय इज कॉमन नाउन, तो बॉय इज कॉमन नाउन, यस बॉय इज कॉमन नाउन ना, हाँ कोई भी बॉय, तो ट्रू, सही बात है। करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ आउल इज आउल, उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, एक होगा तो आउल, और मोर देन वन, एक से ज़्यादा होगे तो आउल्स हो जाएगा, है ना, सिर्फ एस ही लगेगा, तो आंसर इज बी, ई एस नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एस लगेगा, ओके। चलो, वॉट इज करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ डिश, डिश का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, डी आई एस एच ई एस या डी आई एस एच आई ई एस, तो सिर्फ क्या लगेगा, ई एस लगेगा, तो आंसर इज ए, ठीक है ना, यस। वी डैश प्लेइंग इन द ग्राउंड, वी आर प्लेइंग और वी इज प्लेइंग, तो वी आर प्लेइंग, है ना, आर आएगा ना, यस। नाउ ही डैश माई फ्रेंड, ही आर माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, क्या आएगा, ही के साथ इज आता है ना, तो आंसर इज बी। वॉट इज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ मैंगो, मैंगो का प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा, देखो यहाँ पे पीछे क्या है, ओ है ना, तो क्या लगेगा, ई एस, तो प्लूरल फॉर्म कौन सा सही है, मैंगो का मैंगोज, सही बात है ना, यस, आंसर इज ए, मैंगोज। द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, कोई पर्सन का जो नेम होता है पर्टिकुलर, जिससे स्पेसिफिक नेम, जिससे हम उसे बुलाते हैं, तो वो उसका प्रॉपर नाउन हुआ, तो यस। जैसे कि कोई बच्चा है, उसका नेम है कैनिल, तो हम बोलेंगे, उसको बॉय नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैनिल, तो मैं अगर कैनिल करके बुलाऊंगी तो बहुत सारे बच्चों में से उसे पता चल जाएगा ना कि मुझे बुलाया, यस, तो इट्स अ प्रॉपर नाउन, ठीक है ना, आपका जो भी नेम है ना वो क्या है, प्रॉपर नाउन। चलो, प्लूरल ऑफ ऑक्स इज ऑक्सिस, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सिस होता है, नो, ऑक्स का क्या होगा, ऑक्सन होगा, है ना, ऑक्सिस नहीं होगा, तो नो, आंसर इज नो। पैटर्न इज कॉमन नाउन, पैटर्न कॉमन नाउन है, पैटर्न इज प्रॉपर नाउन, प्रॉपर है ना, और कोई सिटी नहीं, पैटर्न, तो आंसर क्या आएगा, नो, पैटर्न इज नॉट कॉमन नाउन, ओके। चलो, दे डैश गोइंग टू द फॉरेस्ट, तो दे वॉज गोइंग टू और दे आर गोइंग टू, तो क्या आएगा, दे आर गोइंग टू द फॉरेस्ट, ओके। आई डैश अ प्यूपिल, आई इज प्यूपिल और आई एम प्यूपिल, आई एम प्यूपिल, है ना, आई के साथ एम आता है, आई एम अ प्यूपिल मतलब मैं स्टूडेंट हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। विच इज़ कॉमन नाउन, बॉय और रेहान, कॉमन नाउन कौन सा है, बॉय, एनी बॉय, है ना, रेहन तो प्रॉपर नाउन हो गया। विच इज़ प्रॉपर नाउन, इंडिया और कंट्री, ऑफकोर्स इंडिया, है ना, और कोई कंट्री नहीं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर नाउन क्या हुआ, इंडिया। प्लूरल ऑफ बस इज, बस का प्लूरल क्या होगा, देखो पीछे एस है ना, एस, डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स या ओ होता है, तो क्या लगता है, ई एस, तो बस के पीछे क्या लगेगा, बस सीज, ई एस लगेगा, तो कौन सा सही होगा, ए, है ना, ए इज द राइट आंसर।
USIS नहीं होता है ना. यस डॉक्टर इज कॉमन नाउन, राइट और रॉन्ग? यस डॉक्टर यानी एनी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर, तो इट्स अ कॉमन नाउन. बैट इज डैश नाउन. बैट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल? बैट यानी एक ही बैट की बात की है, तो वो क्या होगा, सिंगुलर. क्या होगा, सिंगुलर. सिंगुलर मतलब वन एंड प्लूरल मतलब मैनी. बॉक्सेस आर डैश नाउन. बॉक्सेस कैसा है, देखो बी ओ एक्स, एक वन होगा तो बॉक्स एंड एक से ज़्यादा होंगे तो क्या लिखेंगे हम, बॉक्सेस. तो ये सिंगुलर हुआ, ये प्लूरल हुआ, तो बॉक्सेस आर प्लूरल. क्या आएगा, प्लूरल. ठीक है ना. चलो फिर अ प्रॉपर नाउन बिगिंस विथ द डैश. प्रॉपर नाउन कैसे शुरू होता है, विथ अ कैपिटल लेटर. ठीक है ना, जैसे कि हमको इंडिया लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आई एन डी आई ए, आई कैपिटल लिखेंगे हम. ठीक है, जैसे कि हमें पाटन लिखना है तो पी कैपिटल करेंगे हम, पी ए टी ए एन. हम और कोई सिटी की बात नहीं करें, पाटन की बात करें तो पी विल बी कैपिटल. जैसे कि मैं अपना नेम लिखूंगी तो माय नेम इज़ प्रॉपर नाउन, तो मैं वाई क्या करूंगी, कैपिटल लिखूंगी. ठीक है ना, आप भी अपने नेम का फर्स्ट लेटर क्या लिखोगे, कैपिटल. तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है. ओके चलो, तो ये 40 एमसीक्यूज है, ये सारे आप अच्छे से लर्न कर देना. ओके ठीक है ना, गुड चिल्ड्रन. फिर इसमें से आपकी एग्जामिनेशंस होगी, और एक मैंने जो करेक्शन करवाया था ना आंसर में, वो आप ध्यान रखना. हाँ वो थोड़ा गलती से हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, ये नंबर 22 में है ना. नेम ऑफ एनिमल, प्लेसेस, पर्सन एंड थिंग्स आर कॉल्ड. यहाँ पे क्या आएगा, एन ओ यू एन, और आंसर आएगा ए. ओके नॉट बी. ठीक है ना, चलो तो ये अच्छे से देखना, ध्यान से वीडियो देखना और अच्छे से लर्न कर देना. ठीक है ना, तो आप अपना लर्निंग करो, मैं आपके लिए और एक न्यू वीडियो बनाती हूँ. टिल देन बाय बाय.